मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आप स्काईमेट वेदर देख रहे हैं। यह है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। तो मानसून ने इस समय जो तबाही मचा रखी है वो केवल मध्य भारत में ही देखने को मिली है और हमने देखा कि राजस्थान के कई इलाके जलमग्न हैं और बहुत ज़्यादा यानी कि तेज बारिश के कारण कई शहरों का बुरा हाल हुआ है। जोधपुर का आपको पता है कि जोधपुर में रेलवे स्टेशन से लेकर के सब्जी मंडी और अस्पतालों तक घरों में पानी भर गया था और कई गाड़ियां बह गई, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज बारिश उस इलाके में हुई है और उसी तरह से बाड़मेर और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश की गति, यानी कि साउथ वेस्ट राजस्थान में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन अब गनीमत यह है कि इस इलाके से अब बारिश नदारद हो जाएगी, यानी कि पूरा जो आप कह सकते हैं कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पलौदी, नागौर, पाली, सिरोही, ये सारे इलाके एक तरह से सूख जाएंगे और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अगले एक सप्ताह तक नहीं होंगी और बादल हल्के फुल्के छा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है और धूप निकलती है तो छोटे मोटे यानी कि पैचेज में बादल बन जाते हैं, पॉपअप हो जाते हैं और वो हल्की बौछारें कुछ इलाकों में दे सकते हैं, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पूरी तरह से गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और मानसून इस इलाके से थोड़ा सा कमजोर पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। तो शुरुआत बाकी इलाकों से करते हैं, उत्तर भारत से करते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ है जो नॉर्थ पाकिस्तान पर है लेकिन कमजोर है, लेकिन इसका असर फिर भी पहाड़ों पर देखने को मिलेगा। और आपने देखा होगा कि अमरनाथ में जो दो दिन पहले काफ़ी तेज एक बार फिर गुफा के पास बारिश हुई है और जो मतलब श्रद्धालु थे उनके जो कैंप्स थे उधर से लोगों को थोड़ा सा हटाना पड़ा था। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और एक यहाँ पर एक टफ रेखा दिखाई दे रही है, तो इस इलाके में क्या होगा कि जो नॉर्थ पाकिस्तान है उस इलाके में तेज बारिश होगी और बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। कराची में आपने देखा कि कराची में भी मूसलाधार बारिश के कारण घरों में पानी भर गया है। तो बाकी इलाकों की अगर बात करें तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है क्योंकि मानसून की तरफ जो है आप देखिए कि जो मध्य भारत पर थी धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ आ गई है, पहाड़ों के आसपास आ गई है। तो पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश अगले 3-4 दिनों तक रहेगी और कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड का भी संभावना इस इलाके में दिखाई दे रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जो उत्तर प्रदेश है इस इलाके में बारिश की गतिविधियां अब फिर से शुरू हो जाएंगी और बारिश की गतिविधियां तेज होने वाली है। और ये यानी कि 22 तारीख से बारिश तो शुरू हुई है लेकिन जो मानसून है धुआंधार बारिश नहीं देखने को मिली, तो अब कई इलाकों में खास करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली में भी बौछारें अच्छी रहेंगी और कुछ इलाकों में जलभराव भी हो सकता है। और उत्तरी जो ये यानी हरियाणा से लगा हुआ और पंजाब से लगा हुआ जो इलाका है राजस्थान का, यहाँ पर भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर और झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ अभी जारी रहेंगी अगले एक दो दिनों के दौरान। और जो बाकी पहले तो क्या होगा कि बारिश की गतिविधियाँ साउथ राजस्थान से हटेगी, उसके बाद बाकी इलाकों जयपुर, अजमेर और उसके आसपास के इलाकों से भी मौसम शुष्क हो जाएगा। कोटा, बूंदी, वारण, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये सारे इलाके भी अब मानसून बहुत ज़्यादा कमी देखेंगे। और बाकी इलाकों की मध्य भारत की बात करें तो गुजरात का मौसम लगभग शुष्क होने वाला है। पूरे गुजरात में बारिश की गतिविधियां भारी कमी देखने को मिलेगी और मौसम लगभग साफ हो जाएगा। और ये आज से ही हम कह सकते हैं, आज से और अगले कुछ दिनों तक यानी कि बारिश इस इलाके में बहुत कम रहेगी। लेकिन एक दो तीन दिन के बाद क्या होगा कि छुटपुट बारिश की गतिविधियां बौछारें कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है जैसे कि अलीराज, वरमनी और नीमच, धार, खांडवा, खरगोन, रतलाम, इंदौर, भोपाल, ये जो इलाके हैं ये इलाके भी बारिश में भारी कमी देखेंगे। और 29 तारीख को थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है लेकिन कुल मिलाकर के बारिश की गतिविधियां इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली हैं क्योंकि मानसून ट्रफ ऊपर चली गई है और जो अरब सागर से यहाँ से जो नमी वाली हवाएँ आ रही थी वो आप देखिए इस तरह से आने लगी हैं, यानी कि जो नमी वाली हवाएँ हैं वो भी थोड़ी सी मुड़ गई हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो मॉइस्चर है वो आना बंद हो गया है। और अब बाकी इलाके यानी पूर्वी मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं इस इलाके में यहाँ से लेकर के टीकमगढ़ से लेकर के सिद्धी, सतना, पन्ना, सिंगरौली, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, मांडला, अनूपपुर, ये जो इलाके हैं और ये बैतूल, होशंगाबाद और देवास, योनी, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ अभी भी जारी रहने वाली हैं।
और विदर्भ के कुछ इलाकों में अगले दो दिनों के दौरान हल्की फुल्की बारिश होगी, जैसे कि नागपुर से लेकर के गोंडिया और अमरोती वगैरह और वाशिम मर्दा भंडारा और बाकी जो छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आएगी, लगातार बारिश की गतिविधियां अगले कई दिनों तक यहाँ पर जारी रहने वाली है। और ये बाकी जो कोकण एंड वो है मुंबई वगैरह, यहाँ का भी मौसम लगभग अगले एक सप्ताह तक शुष्क हो जाएगा, बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और उसके बाद यानी कि हम कह सकते हैं कि दो चार दिनों के लिए यहाँ पर बारिश नहीं होगी और अगस्त के पहले सप्ताह में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां इस इलाके में बढ़ सकती है। बाकी मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है और कई दिनों तक रहेंगी। खास करके बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा बारिश रहेगी, झारखंड और ओडिशा में थोड़ी सी कम रहेगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी और गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की रहेगी। और उसी तरह से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना कुछ इलाकों में है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश कम ही रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो दक्षिण भारत में यहाँ से ये ट्रफ रेखा इस तरह से आएगी, तो हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाके, तेलंगाना के कई इलाके और तमिलनाडु और साउथ इंटीरियर कर्नाटका, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां अच्छी होने वाली हैं, यानी कि मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में होगी, लेकिन जो कोस्टल एरियाज है कर्नाटका और केरला में, यहां पर बारिश थोड़ी सी कम होगी। केरल में फिर भी लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी तेलंगाना से लेकर के आप कह सकते हैं रायलसीमा में, जैसे कि कुडलोर, कडप्पा, अनंतपुर और चित्तूर, नेल्लोर, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश होगी। और उसी तरह बेंगलुरु वगैरह वो सारे इलाके में और तमिलनाडु के कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। लक्षद्वीप में छुटपुट बारिश की गतिविधियां हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट ही रहने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के एक्सिस ऑफ मानसून जब उत्तर में चलेगी, ट्रफ जब उत्तर में चलेगी, तो उत्तर भारत गंगा के मैदानी क्षेत्रों में अब बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।